मेरे सभी देशवासी भाइयों बहनों, जैसा कि आपको पूर्व से ही विदित है, आज 4 मई से लॉकडाउन 3 प्रारंभ हो गया है। अब 17 मई तक लॉकडाउन 3 चलता रहेगा। इस दौरान भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ क्षेत्रों में बहुत सीमित मात्रा में छूट देने का काम किया। मेरा आप सब लोगों को यह निवेदन है कि इस छूट का सदुपयोग करिएगा, किसी भी हालत में दुरुपयोग ना होने पाओ। छूट का अर्थ यह मत समझ लीजिएगा जो स्थिति पहले, जब कोरोना संक्रमण का संकट प्रदेश पर नहीं था, जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति ना अभी है ना अभी आगे कुछ दिन तक रहने वाली है। इसलिए सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। भारत सरकार की गाइडलाइन के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की। बहुत सारी दुकानों को, बहुत सारे प्रतिष्ठानों को खोलने का फैसला लिया गया। जो जिले ग्रीन जोन में हैं, वहां पर बसों का संचालन होगा, लेकिन सवारियां उसमें 50% रहेंगी। जो ऑरेंज जोन में हैं, वहां के लिए भी कुछ छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है, इसको विधिवत ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद आपको जब ये ध्यान में आ जाए कि नहीं, हमें क्या क्या छूट मिली है और उसमें से कौन सी छूट का उपयोग करने की हमें जरूरत है। ऐसा नहीं कि छूट मिली है और हम टूट पड़े, घर से निकल पड़े और जहां हमें नहीं जाना चाहिए, जिससे नहीं मिलना चाहिए उससे मिलने का काम करने लगे, नमस्ते और प्रणाम करने की जगह हाथ मिलाना शुरू कर दिए। तो देखिए, अगर इस तरह की लापरवाही होगी तो ना आप सुरक्षित रहेंगे ना परिवार सुरक्षित रहेगा। इसलिए अभी हमें यह मानना चाहिए कि जैसे लॉकडाउन 1 के समय जिस प्रकार से हमने अपना सहयोग दे करके, हमने अपने सुरक्षा को प्राथमिकता दे करके लॉकडाउन 1 का पालन किए, लोग अपेक्षा कर रहे थे कि लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2 नहीं आएगा। लॉकडाउन 2 लाना आवश्यक था, वो लॉकडाउन 2 भी लाया गया, दूसरी बार भी आया। दूसरी बार के बाद हम पूरा खोलें या खुल जाए, ऐसी आप में से बहुत लोगों की अपेक्षा रही होगी, लेकिन अगर पूरा खोल दिया जाए तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके क्या हाल होते हैं। इसे लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3, अर्थात अब आज से 17 मई तक के लिए फिर से हम उसी प्रकार के प्रतिबंधों के अंतर्गत, लेकिन इस समय कुछ दी गई, जैसे कृषि के क्षेत्र में छूट दे दी गई, जो कृषि से संबंधित काम है वो काम हम कर सकते हैं। हम मंडी जा सकते हैं, हम अपने खेत जा सकते हैं, हम अपने खेत में कटाई मड़ाई जो फल सब्जी आदि की है उसके लिए हम अपना काम कर सकते हैं। और उस काम को करने के कारण से निश्चित तौर से आप लोगों से मिलेंगे, लेकिन ये मिलने के दौरान हमें शारीरिक दूरी का पालन अच्छा करना होगा। मैं इस समय अपने ऐसे कमरे में बैठा हूं जहां कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए गमछा बांध करके बैठा हूं आपको बताने के लिए कि जिससे आप भी यह ध्यान रखें कि हमें गमछे का या मास्क का उपयोग जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। और जो भी घर से बाहर किसी काम से जरूरी हो गया निकलना ही है, चाहे किराना की दुकान में जाना है, चाहे मेडिकल स्टोर में जाना है, और चाहे किसी से संबंधित किसी को उपकरण लेना है, कोई ट्रैक्टर बनवाना है, किसी को ट्राली बनवाना है, तो किसी को बीज खरीदना है, किसी को खाद खरीदना है, किसी को कीटनाशक खरीदना है, तो यह सारी व्यवस्थाओं के क्रम में मैं आप सब लोगों को यह निवेदन करूंगा कि उस समय मास्क और गमछे को बांधे। सरकारी कार्यालयों के बारे में भी ये कहा गया है कि पूरे के पूरे कार्यालय के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वह सब नहीं आएंगे, उसमें अभी 33% की छूट दी गई है, वो आएंगे और बाकी अपने घर में तैयार रहेंगे। उनमें से किसी की जरूरत होगी तो उनको बुलाया जाएगा।
लेकिन कई बार किसी को लगता है यार मैं तो घूम रहा हूं, दोनों लॉकडाउन को पार कर गया और मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरे भाइयों बहनों, ये कोरोना है, ये दिखता नहीं है, इसके लक्षण कई बार कई दिन के बाद प्रकट होते हैं, लेकिन जब प्रकट होते उससे पहले बहुत लोगों तक आप इस बीमारी को पहुंचा चुके हैं। इसे मेरा आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं लगातार हमारे प्रदेश के जो भाई बहन हैं, श्रमिक होंगे, व्यापारी होंगे, विद्यार्थी होंगे, बच्चे हैं, वो सब अलग अलग प्रदेशों में रह रहे हैं, जहाँ संक्रमण थोड़ा ज्यादा विस्तार ले लिया, जहाँ विदेशी लोगों का बहुत अधिक आगमन होता था, वहां पर वो रहे हैं, वो छोटे मोटे कारोबार करते रहे हैं, तो एक दूसरे के संपर्क में होंगे, और वहां पर हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन केस भी बढ़े हैं। और इसके कारण से मैं आप सबको आग्रह करना चाहूंगा कि बहुत सतर्कता, बहुत सावधानी के साथ लॉकडाउन 3 का पालन करें, जो छूट मिली है उस छूट का सदुपयोग करें, दुरुपयोग भूल से भी मत करना। अगर हमने दुरुपयोग किया तो यह समझ लीजिएगा कि हम अपने आप ऐसा अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने मोहल्ले के लिए संकट को आमंत्रित कर रहे हैं, जिसका मैं बार बार कह चुका हूं इलाज तो है, इलाज से भी काफी संख्या में लोग, 10,000 से अधिक संख्या में जब हमारे यहाँ इस समय देश के अंदर 40,000 से अधिक लोग बीमार होकर के अस्पताल में आए थे कोरोना संक्रमण के कारण, और उसमें से 40,000 का जब आंकड़ा पार किया है तो उसमें लगभग 11,000 का आंकड़ा ठीक होकर के घर वापस आने वालों का भी पार किया, लेकिन इसके बाद भी उससे बहुत सारे लोग इस धरा को छोड़ करके चले गए, हमें आपको छोड़ करके चले गए। मेरी आपसे इसलिए विनती है कि जो भी हमें छूट दी गई है उस छूट का हम पूर्णतया पालन करते हुए, चाहे रेड जोन हो चाहे ग्रीन जोन हो, जिन जनपदों में एक भी केस है, दो भी केस हैं, उनको भी तरह से संवेदनशील जनपद मान करके उनको भी ऑरेंज जोन में रखा गया। और अब जब हमारे बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के, मैं जान रहा हूं इस बात को, जब यूपी के लोग चाहे मुंबई से, चाहे दिल्ली से, चाहे देश के दूसरे प्रदेशों के प्रमुख शहरों से वापस अपने गाँव को चले आएंगे, अपने घरों को चले आएंगे, तो वहां की सारी गतिविधियां लगभग ठप पड़ जाएंगी। अभी तो लॉकडाउन है, इस समय किसी को कोई आवश्यकता नहीं, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बिना आपके, कई प्रदेशों की स्थिति ऐसी है कि बिना उत्तर प्रदेश के लोगों के वहां की गतिविधि ठप पड़ जाएगी। इस बात को ध्यान में रख करके अपनी सुरक्षा कर रखें, अपने जो सुविधा दी गई उसका नियम के अनुसार पालन करें, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकार की गाइडलाइन जारी होती है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो योजनाबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ी गई, इसके कारण हमारे यहाँ जो मरीजों की संख्या उतनी नहीं बढ़ी। अब अमेरिका 70,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और बीमारों की संख्या आप 10 लाख का आंकड़ा पार करके वो 15 लाख तक पहुंचने की स्थिति हो जाए तो कोई आश्चर्य मत करना। मैं अमेरिका केवल इसलिए उदाहरण देता हूं क्योंकि तो वहां दुनिया में सबसे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था है, जांच की व्यवस्था है, बड़ा संपन्न देश है, और हमारा देश धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज लगातार बन रहे हैं, बहुत सारी चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों से अधिक लोगों को चिकित्सा सुविधा 5 लाख रुपए तक के इलाज कराने की सुविधा प्रदान करने का काम किया है। तो यह सारा काम जब तक हमारे देश में यह सब व्यवस्था खड़ी होगी तब तक हमें आपको मिल करके अपनी शारीरिक दूरी, एक दूसरे जुड़ने की जगह दूसरे थोड़ा दूर रह करके अपने बचाना, अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने जिले को बचा, अपने प्रदेश और देश को बचाना। मेरा अभी ऐसे बैठा था, मैंने सोचा आज सुबह सुबह ही पहली बेला में ही आप सबको नमस्कार और प्रणाम कर लूं, और किसी भी प्रकार का आपका कोई, बहुत जगह से इस समय फोन आ रहे हैं, जो मेरे दूसरे प्रदेशों में भाई बहन उनमें से सबको लग रहा है कि सबको लाया जाएगा, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, आप जहाँ हैं सुरक्षित हैं, व्यवस्थित हैं, तो बहुत आने की भी मत करिए, क्योंकि आने के बाद भी आप 14 दिन तक घर वालों के साथ नहीं रहेंगे, घर से बाहर किसी क्वारंटीन सेंटर में रहना पड़ेगा, और जिन
लाने की व्यवस्था जितनी है उतनी सीमित मात्रा में ही लोग निकले, असीमित अगर निकलेंगे तो बड़ी उससे समस्या होगी। इसलिए धीरे धीरे करके अपने घरों के लिए, अभी देश के अंदर तो ये हालात है, दुनिया के कई देशों में हमारे भारतवंशी बड़ी भारी संख्या में लोग हैं। अभी अकेले यूएई से ही हमारे यहाँ जो 1.5 करोड़ आवेदन आए हैं कि हम घर वापस आना चाहते हैं। अब वो भारत सरकार उस पर व्यवस्था होगी, उसका निर्णय की, वो उत्तर प्रदेश सरकार संबंधित नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश के भी काफी लोग हैं। लेकिन आपको मैं यह निवेदन करूंगा आने की सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार बातचीत करके प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सारे सारे लोग चले आएंगे तो ना तो इतनी तत्काल व्यवस्था हो सकती है और ना आपको तत्काल जिनके पास सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको सुरक्षित भाव से, चाहे वो यहाँ रहे चाहे वहां रहे, जहां पर हैं, अगर जो शारीरिक दूरी है इसका पालन करेंगे, संक्रमण से यहाँ पर भी बचेंगे, जहां है वहां पर भी बचेंगे। इस बात को ध्यान में रख करके आप सब लोग अपने कर्तव्य का पालन करिए। मैं लगातार इधर हमारे जो विपक्ष के नेतागण हैं वो लगातार टिप्पणी करे हैं, लेकिन मैं उनको सबको कहना चाहता हूं कि टिप्पणी करें, जितना करना चाहे करें, लेकिन अगर उनमें टिप्पणी करने के लिए समय है तो अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहें कि वो समाज की सेवा करें, गरीब की सेवा करें, और सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन 3 में व्यवस्था दी गई उस व्यवस्था के अनुसार करें, लेकिन हल्की बातें ना करें। हल्की बातें करना, छोटे मोटे ऐसे विषय उठाना जिस विषय के उठाने से उनको शायद मैं समझ कोई फायदा तो नहीं हो सकता, नुकसान हो सकता है, और राजनीति करने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि बाद में फिर समय मिलेगा, अभी राजनीति करने का समय नहीं है, अभी राजनीति करने का समय है। वोट नीति के लिए तो आप सदा विरोधी जो हमारे हैं मित्र लोग वो सब करते रहे, वोट नीति के रास्ते पर चलते रहे हैं, लेकिन यह वोट नीति का समय नहीं, या समाज को बचाने की नीति, देश को बचाने की नीति, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की नीति में सरकार प्रशासन का लगातार सहयोग करें। बहुत सारे समाज सेवी लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लाखों लाख कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। आप भी सेवा करिए, लेकिन कोई अच्छा सुझाव देते जाइए, आलोचना के लिए जब कुछ नहीं मिलता तो क्या जारी करें, ऐसा लगता है। आपने यहाँ उत्तर के निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल कह दिया कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जा रहा है उसमें 100 रुपए कट रहा है। अखिलेश यादव जी, आप पहले अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर ले, देखिए आपका पैसा कट गया। इस प्रकार छोटी और हल्की बातें जो उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के 5 वर्ष रहे हो आप, हल्की नहीं करनी चाहिए ऐसी देश को, और देश को संकट की घड़ी में आपसे अपेक्षा है आप कोई आरोप को लगाने से पहले उसकी जानकारी करें। आरोग्य सेतु ऐप यह सुरक्षा कवच के रूप में है, लगातार वह गाइड करता रहता कि कहां पर क्या ऐसी है, कैसी स्थिति है, आप सुरक्षित हैं कि नहीं है, तो आप उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि संक्रमण पार्टी धर्म पार्टी जिला और देश और देश नहीं देख रहा है, कहीं पर भी पहुंच जा रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें, और लॉकडाउन 3 के नियमों का पालन करें, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, मजदूरों की, किसानों की, जो जरूरतमंद है उनकी सेवा में सहयोग करें, यही आपसे मैं आग्रह करूंगा। और अपने सभी साथियों को फिर यही कह रहा हूँ कि आज से लॉकडाउन लागू हो गया है, इस लॉकडाउन में कुछ छूट दी गई है, दुरुपयोग करिएगा, कोई दुरुपयोग मत करिएगा। जैसे लॉकडाउन 1 और 2 को सफल बनाने में सरकार का बहुत सहयोग किया है, जिला प्रशासन का सहयोग किया है, अब क्वारंटीन सेंटर में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कहीं कुछ कमी हो तो उसको दूर करने में अपना योगदान दीजिए। हाँ, क्वारंटीन सेंटर में बहुत अव्यवस्था है, बहुत कमी है, कौन हमारे ही अपने भाई बहन है वो लोग, उनके लिए हम आप मिल करके जो कर सकते हो करने का प्रयास करें, ऐसी अपील करते हुए आप सबको फिर से एक बार प्रणाम, जय श्री राम, अभिवादन करता हूँ, अपनी बाड़ी को देता हूँ विराम, बहुत धन्यवाद।